आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुमन पांडे ऑफिशियल, तो आप लोग बने रहें हमारे चैनल पर। और फ्रेंड्स, समय के अभी 12:30 बजा है और आज का दिन इतवार का दिन है, लेकिन हमारे जो मतलब परिवार जो हैं, जो रिश्तेदार हैं हमारे, वो आज उन्होंने अपने घर पर शिव चर्चा रखा है, तो हमें वो बुलाने के लिए आए थे फ्रेंड्स कि शिव चर्चा है तो आपको भी आना है, चलना है। तो फ्रेंड्स, हम जो हैं उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं शिव चर्चा में। तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैं शिव चर्चा उनके यहाँ कैसी हो रहा है, क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं अब देखिए हम लोग तैयार हो गए हैं उनके यहाँ जाने के लिए फ्रेंड। तो अब टाइम तो 12:30 बज ही रहा है और अब शिव चर्चा आरंभ करने का समय भी हो गया फ्रेंड्स। तो अब हम लोग अपने आप में रेडी हो गए हैं, तो अब हम चलते हैं उनके यहाँ शिव चर्चा में। तो चलिए, मैं जाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वहाँ पर, आपसे मिलेंगे। और शिव चर्चा और उनका घर का लोकेशन क्या है, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि शिव चर्चा वो कैसे क्या कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं वर्षा के यहाँ, क्योंकि ये आई हैं शिव चर्चा के लिए बुलाने के लिए। तो आपको तो बताएंगी हूँ और चलती हूँ तो आप देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैं जा रही हूँ वर्षा के घर। और देखिए आपको साइड में हरा भरा जो है घास पतवार आपको दिखाई दे ही रहा होगा, तो थोड़ा सा उधर मुड़ना पड़ता है, वो शायद उधर खत्ता पड़ता है तो उस साइड में मुड़ना पड़ता है, तब जाके इनका घर आता है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको इस गड्ढे से होते हुए रास्ते से मैं आपको वर्षा के घर ले जा रही हूँ। और आप चलिए देख सकते हैं आगे आगे वर्षा चल रही है फ्रेंड्स, और मैं पीछे से इनके यहाँ जा रही हूँ इनके घर, क्योंकि शिव चर्चा है मैंने आपको बताया ही है। तो देखिए ये साइड में ये गली मुड़ जाती है इनकी तरफ, और इनका मकान जो है फ्रेंड्स इधर ही पड़ता है। तो चलिए मैं जा रही हूँ इनके घर पर, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैं घर पर पहुँच ही गई हूँ और पहुँच भी गए हैं। तो चले मम्मी, आई फोन डाल के मम्मी कपूर खाली बाकी के गेलियो निहार ले है। ये सासुरा के लोग ये तो राजी गौरा माई माना पवली, ये सासुरा के लोग नहीं मोरा जी स्वामी माई माना पवली, नहीं सासुरा के लोग जाइया से स्वामी
बोला ऊपर नीचे कंकर ही होगा बाबा कैसे कर सने हमिया ऊपर पहाड़ नीचे कंकर ही होगा बाबा कैसे कर सने हमिया सोने के घड़ी कहवा जल पानी ये चलना दौड़ाई ही होगा बाबा कैसे कर सने हमिया अरे चोट लगी कैसे ससुईया बेचारी की कहला की अब चार रोटी खेला था एक रोटी शिव गुरु के नाम से हटा दे शिव गुरु के शिष्य अलग ससुईया बेचारी ससुईया पुतिया ले लग देख कहला कि गिरजिया के पांच रोटी दिली थी एक रोटी हटा दलक है चार रोटी खेले का मतलब अगर चार एक रोटियां खा डेली कमाई ले गेले उसी आ हम बेकार रे रहा एक रोटियां बेसी दली तो क्या अच्छा ठीक है ध्यान से चार रोटी दे दे फिर हटा दलक कि तीन रोटी खेला का एक रोटी हटा दलक मुखर नाम से शिव गुरु के नाम से और उसी रोज दो रोटी तीन रोटी ऐसे करते करते आधा रोटी पर आधा रोटी पर आ गया तब की कहला की तीन गो आधा रोटिया खेलक आधा तब आधा रोटिया खेलक तो आधा में से आधा खेलक और आधा कोना हटा देना तस कहलक मर्दानवा के ए जी अब तोर मैया हमरा से नहीं संभल ई पांच रोटी दलियो त चार रोटी खेलखो चार रोटी दलियो त तीन रोटी दलियो त दो रोटी दलियो त एक रोटी खेलखो एक रोटी दलियो त आधा रोटी अब आधा रोटी दलियो त कोना रोटी खेलखो अब बताओ ही बचथू कि मरथू एरस बने पहटा हम सब कैसे की गंजन करबै थू अब बीमार पड़थू त दवाई भी रोला हो देखाओ सुनाओ कितना झमेला एरस बढ़िया खा मार दा ओहे डायरेक्ट मार दीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा थोड़ा ऐसा शॉर्टकट में खिसे कर ले डायरेक्ट मार दी कहानी खत्म है शॉर्टकट वाला है तू फॉरवर्ड खिसा निकल के नहीं किया घंटा वाला हम शॉर्टकट का है तो कहला कि मर्दनवा कहला कि ठीक है कहा अब कितना एक लंबा लिस्ट कर